सो गाइस, एज प्रॉमिस, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे भैया कि मैंने आज तीन ऐसे कॉइन आपके लिए निकाले हैं जो मेरे को ये लगता है कि लॉन्ग टर्म में तो बेस्ट रिटर्न आपको दे ही सकते हैं। मेरे हिसाब से इजीली आपको 10-15x का जो रिटर्न है वो दे सकते हैं, तो अगर आपको लॉन्ग टर्म बैग रखने वो रख सकते हो। लेकिन शॉर्ट टर्म में भी जैसे हम बात कर रहे थे कि अभी जब पुल बैक एक आएगा यहाँ पे, पुल बैक, ठीक है, जब ये पुल बैक आएगा बिटकॉइन का, तो जैसे ही बिटकॉइन दोबारा से 90-92 को क्रॉस करके वहां चाहे एक्युमुलेट करे और चाहे वहां से ऊपर जाए, तो आपको तुरंत, वो मेरे को लगता है आज रात को भी हो सकता है, और अगर हो सकता है हल्का सा और यहां से पुल बैक आया तो हो सकता है आपको मंडे के आसपास में जो है पुल बैक वहां पे देखने को मिले। तो जैसे ही रिट्रेस करता है 92 के आसपास, तो ये जो तीन कॉइन है, इन तीनों कॉइन में मेरे हिसाब से आपको 30-50%, हो सकता है 100% मिल जाए, लेकिन 30-50% की जो जंप है वो बड़े आराम से मिलने वाली है, ठीक है। तो इन कॉइन की बात करेंगे, मार्केट का हाल जानेंगे कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। बहुत सारी ऐसी न्यूज है जो निकल के आ रही है जो यहाँ पे बताती है भैया कि जो बिटकॉइन है वो अभी इसी महीने या फिर अगले महीने स्टार्टिंग में 100 के तक जा सकता है। और अब इसमें मेरे को लगता है इतना सोचने जैसा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि चीजें इतनी क्विक हो रही है ना कि हो सकता है कि आपको अगले हफ्ते ही देखने मिल जाए। हम हैं ही कितने दूर, 94 के आसपास हम थे, हार्डली 4-5% का गैप रह गया है ना, तो उसकी बात करेंगे। और उसके बाद में बात करेंगे थोड़ी सी सिवाय यूनो डॉजकॉइन की, भाई वो तो हम हमेशा करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा भाई बहन मेरे वही है, तो उसकी थोड़ी सी बात करेंगे। बट सबसे जो इम्पोर्टेंट है पहली बात वो ये है कि भाई ये है अपना टेलीग्राम का चैनल। YouTube पे तो मैं खैर कोशिश कर रहा हूँ, अभी तो मैं पहले दो वीडियो डाल रहा था, अब मैं तीन वीडियो डालनी स्टार्ट कर दिए, क्योंकि भाई टाइम ऐसा है कि फटाफट फटाफट लोग जो है वो स्टेप ले रहे हैं। पर फिर भी ये जो है आप देखोगे यहाँ पे लगभग आपको हर 10 मिनट पे जो अपडेट है वो मिल रहा है, हर 10 मिनट पे, लिटरली हर 10 मिनट पे। तो मेरे को लगता है अगर आपको एक छोटी सी न्यूज भी मिस नहीं करनी है, आप ये समझ लीजिए कि ये आपका फाइनल स्टॉप है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद में आपको कहीं नहीं जाना है, आपको ट्विटर खोल के नहीं देखना है, आपको इंस्टा खोल के नहीं देखना है, यू नीड नॉट टू गो वेयर एनी वेयर, ठीक है, आप यहीं पे हर चीज देख सकते हो। तो भैया सारे भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, इस पे आ जाओ टेलीग्राम पे, लिंक दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है। अच्छा, ये एक लास्ट मैंने अभी वीडियो शेयर करी थी, छोटी बहन का चैनल है फिटनेस का, तो अगर आप चाहो तो कर सकते हो सब्सक्राइब, वो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई, अब एक बार आ जाते हैं कहाँ पे, ये दो तीन पहले चीजें हैं, ट्वीट है, उनके बाद में हम चलेंगे थोड़ा मार्केट की बात करेंगे। पहली चीज तो जो भी लोग पेपे में इन्वेस्टेड है, ये कल का इन्होंने बताया है कि भैया एक व्हेल है जिसने लगभग यहाँ पे 2.5 मिलियन के आसपास जो है पेपे में इन्वेस्ट करा था, लगभग 9 घंटे पहले की बात ये बता रहे हैं, जिसे अभी तक लगभग 8.5 मिलियन के आसपास का जो प्रॉफिट है वो मिला है वहां से। तो कहना ये है कि जिन भाइयों के पास में पेपे है, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन थे जिनका कमेंट आया था कि भैया क्या करें, एग्जिट मारते क्या करें, पेपे काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो एग्जिट का तो खैर मैं फिलहाल किसी को भी मना कर रहा हूँ, किसी को भी मना कर रहा हूँ, मैं हर भाई बहन से यही बोल रहा हूँ। कई सारे लोगों ने पूछा कि भैया 30% फायदा हो रहा है, 50% फायदा हो रहा है, एग्जिट मार दे क्या, एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि एग्जिट कर दिया तो मेरे को लगता है दोबारा वो प्राइस आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है, एग्जिट नहीं करना है। जितना प्रॉफिट हो रहा है, 20% है, 30% है, 50% है, उस प्रॉफिट के अमाउंट को बुक कर लो। अगर वह सिनेरियो मान लीजिए बिटकॉइन जाता है 85 पे 80 पे अगर जाता है तो भैया आप खरीद लेना। अभी मैं जो उम्मीद कर रहा हूं वो ये है कि यहां से हम जाएंगे ऊपर, और ऊपर जाके मान लो लगभग कोई आपका 100K के आसपास, जो मैंने बोला था कि साइकोलॉजिकल एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे बनेगा, फिप के हिसाब से नहीं बनता है, वो 110 पे है, साइकोलॉजिकल बनेगा, लेकिन फिर मेरे को लगता है कि ऐसा हो सकता है कि 100 से सीधा आप दोबारा 85 तक आओ, और वो जो एक पुल बैक होगा वहां पे आपको जो अच्छे डिस्काउंट मिलेंगे, लेकिन ये प्राइस नहीं मिलेगी, क्योंकि जब 100K पे बिटकॉइन होगा ना आपका, तब तक ये जो आपके सारे ऑल्टकॉइन है ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे, तो वहां से आपको 30-40-35% की जो गैप है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है भाई। एक दो और ट्वीट है गजब की, उनको लेंगे। अच्छा, एक चीज बोलना भूल गया कि जो भी बहन भाई चैनल पे नए हैं, दिल से रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर लो, छोटा सा चैनल है लेकिन बहुत सारी बातें मैं यहाँ पे मैं करता हूँ आपको, चाहे कॉइन को लेके हो, न्यूज को लेके हो, मतलब बहुत सारी चीजें, TA को लेके हो, कोशिश करता हूँ सब कुछ कवर हो जाए। तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हो पसंद आए तो, डिसलाइक कर सकते हो ना पसंद आए तो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कमेंट कर सकते हो कोई भी आपका सवाल है तो। तो वैनेक ने ये प्रिडिक्ट कराया कि भैया बिटकॉइन जो है 1,80,000 जाएगा इस साइकिल के अंदर। हु इज वैनेक? सो वैनेक अगर आपको पता है तो इनका भी एक जो स्पॉट ETF है वो है, एथेरियम का भी है और इनका एक बिटकॉइन का भी है, तो ये आप कह सकते हो एक बड़ा फंड मैनेजर है, जैसे आपका ब्लैक रॉक है, उतना बड़ा नहीं है, उससे थोड़ा छोटा लेकिन बड़ा है। तो इनका मानना है कि भैया जो बिटकॉइन है इस साइकिल में लगभग 1,80,000 के आसपास पहुंचेगा, और ये वो लोग हैं जो कुछ प्रेडिक्ट करते हैं तो ये बहुत ज्यादा डीप डाइव करते हैं उसके अंदर, तभी कोई रिजल्ट यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो दिस वुड बी अमेजिंग। ये भैया कल का ट्वीट था, कल के बाद ये ट्वीट आज तक कम से कम 500 बार ट्विटर पे रिपीट हो चुका है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज है। हम बात करते हैं कि अभी तक सिर्फ स्विट्जरलैंड में
और दुबई में, ये दो ऐसी कंट्री थी जहां पे क्रिप्टो के अंदर कोई टैक्स नहीं था, ठीक है। अच्छा यार ये माइक की आवाज सही नहीं आ रही है, मुझे दो चार लोगों ने शिकायत करी है, लेकिन मैंने मेजोरिटी लोगों को यहाँ पे पूछा, वो कह रहे हैं कि आवाज ठीक आ रही है। तो मेरे को लग रहा है शायद या तो आपके यूट्यूब में दिक्कत हो रही है फोन पे, और अगर हो भी रही है इसमें तो मैं एक नया माइक ऑर्डर कर देता हूँ फटाफट से, ठीक है। वैसे मैं इस पर नहीं करना चाहता था लेकिन कर देते हैं अगर तुम लोग बोल रहे हो। ये एक बहुत बड़ी चीज है, ये कह रहे हैं भैया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज स्ट्रॉन्गली कंसिडरिंग 0% कैपिटल गेन टैक्स ऑन बिटकॉइन एंड क्रिप्टो। कितना बचता है? 30% फेड टैक्स बचता है, 1% टीडीएस बचता है, 4% सेस बचता है, 18% जीएसटी बचता है। तेल निकाल देता भाई आदमी का, ये इतना बचता है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि ऐसा अगर होता है तो आज के टाइम पे हम बात करते हैं कि यूएस के अंदर ही मेरे को लगता है सबसे ज्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर है आज के टाइम पे, जो कोई दुबई में जाके शिफ्ट हो रहा है, कोई स्विट्जरलैंड में जाके शिफ्ट हो रहा है, माइनर है तो वो अफ्रीकन कंट्रीज में जा रहे हैं, कतार साइड में जा रहे हैं क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है। अगर ऐसा यूएस में होता है तो दे विल नॉट गो एनीवेयर, और इससे क्या होगा, इनकी इकोनॉमी और ज्यादा स्ट्रांग होगी, इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, ग्लोबल इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, इनका डॉलर स्ट्रांग होगा, हर चीज स्ट्रांग होगी, बिटकॉइन एप्रिसिएट होगा, एवरीथिंग विल बी देयर, ठीक है। तो ये मेरे को लगता है बड़ी बड़ी चीज है, और ये चीज भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दी थी, ये यहां तो हम अभी बता पा रहे हैं, लेकिन टेलीग्राम पे अगर हम बात करें तो आई थिंक कल शाम को मैं इस चीज को ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। ये था हमारा तो टेलीग्राम पे यूजली ये समझ लो आपके टेलीग्राम पे मैं करता हूं हर 10 मिनट पे, हर 5 मिनट, ये देखो हर 5 मिनट पे अपडेट, तो यहां तो कोई चीज छूटती नहीं है, और कोई हम मतलब यहां कितने लंबे तक लगे रहते हैं, मैं तुमको एक गजब की चीज सिखाता हूं तो बड़ा मजा आएगा। तो बेसिकली हम रात को 2:30-3 बजे तक जगे होते हैं, ये मैंने कल रात को 3:30 बजे, सुबह ही बोल लो इसको रात तो क्या होगी, मैंने बोला कि भाई कौन कौन जगा हुआ है, गिव मी अ थम्स अप, 300 भाई बहन जगे हुए थे, 300 से भी ज्यादा भाई बहन जगे हुए थे जिन्होंने थम्स अप करा है। तो सारे आ जाओ, बहुत मजा आता है। अगर तुम रात को बैठे हो, वीडियो देखने का मन नहीं है, स्क्रॉल कर रहे हो, तुम्हें अलग अलग चैनल्स पे नहीं जाना, बस यहाँ पे तुम हो, तुम्हें सारी जानकारी मिलती जा रही है, उसके हिसाब से तुमने ट्रेड ले ली, दैट्स ऑल, ठीक है। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा फियर ऑफ ग्रीड की अगर बात करें तो थोड़ा सा फियर जो है, सॉरी जो ग्रीड है कम हुई है, पहले 84 पे थी, नाउ वी आर एट 80, दिस इज गुड ओनली। देखो ये जो है 90 तक जाएगी, पर दिस इज गुड ओनली, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये 95 को क्रॉस करेगी, दैट विल नॉट बी गुड। अगर हम नॉर्मल सीजन में होते तो 80 भी अच्छा नहीं था, लेकिन अभी हम उस मार्केट में हैं जहां पे हमें ऊपर जाना ही है, ठीक है, तो दिस इज नाउ गुड ओनली, ठीक है भाई। अच्छा पॉली मार्केट की बात करेंगे, पॉली मार्केट की बात क्यों करते हैं, पॉली मार्केट जो है इस यू कैन से कि प्रेडिक्शन मार्केट है, जहां पे डिजिटली ये डिसाइड करा जाता है, कुछ आंकड़े देखे जाते हैं, कुछ लोगों से पूछा जाता है, ऑनलाइन वोटिंग कराई जाती है, और इस निष्कर्ष पे निकला जाता है कि भाई क्या लगता है। हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरीके से इन्होंने बताया, कुछ वैसे ही रिजल्ट आए, इन्होंने कहा कि पहले भी हमने वही बताया था, फिर इन्होंने कहा कि जो बिटकॉइन का प्राइस था, हमने जो सोचा था वही जुलाई में रहा, वही जून के आसपास में रहा, तो नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग कि जो 2024 है इसके अंदर ही 100K जो है बिटकॉइन हिट कर देगा, इसके जो चांसेस हैं दैट इज 76%। अभी से मैंने कुछ दिन पहले बात करी थी, तब ये लगभग तुम्हारे 63 के आसपास थे, तो नाउ आई थिंक आई एम तो वेरी श्योर कि भैया मार्केट जो है हो सकता है इसी महीने 100K को टच कर दे, जिस रफ्तार से यार हमने 65 से इट्स लाइक नॉन स्टॉप went to like this 82 के आसपास, then 94 के आसपास, तो ये जो हमारा सफर रहा ऑलमोस्ट $30,000 के आसपास का, इसमें हमें महीना नहीं लगा, पूरा 15 दिन के आसपास लगे हैं, ठीक है। तो मेरे को लगता है बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ $6,000 की जर्नी बाकी आगे की, तो बहुत जल्दी तो चीजें हैं वो आपको देती हुई दिखेंगी। अगेन ये मैं आपसे बोलता हूँ, ये जितना स्लो होगा उतना बढ़िया रहेगा, उतना मजा आने वाला है, ठीक है भाई। सो फाइनली जैसा मैं बोलता हूँ कि डॉज कहीं नहीं छूटा है और ना अभी छूटेगा। पहले तो रीजन ये था भाई कि डोनाल्ड ट्रंप है, प्रो बिटकॉइन प्रेसिडेंट है, एलोन मस्क है जो हमेशा डॉज की बात करते हैं, अब एक डिपार्टमेंट ऐसा बना है जिसका नाम ही डॉज है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। ऑल दे डू इज कि भैया जहां 10 लोग काम कर रहे थे और वो आउटपुट नहीं आ रहा था, वहां पे लोगों को उठा के चार करते हैं और उनसे वो आउटपुट निकलवाने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड कि एफिशिएंसी लेके आनी है सिस्टम के अंदर, काम जोरों को भगाना है, जिसके लिए एलोन मस्क मेरे को लग रहा है खुल के लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि भैया अब ऐसा नहीं चलेगा, उनके ट्वीट अगर आप देखोगे तो ये भैया यहाँ डाला है इन्होंने कि डॉज विल ब्रेक $1 प्लस दिस साइकिल लाइक इन द पोस्ट इफ यू बिलीव। तो मेरे को लगता है 100% हो गए, कोई नहीं रोक सकता डॉज को $1 जाने से, आगे भी कितना चला ये भी नहीं कह सकते, लेकिन $1 तो कोई नहीं रोक सकता इसको, ठीक है भैया। ये बिटकॉइन का चार्ट है, सारी गंदी ड्रॉइंग हटा देते हैं, कुछ नहीं बताना है मेरे को, आपको भी मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि सारे बहन भाइयों को हर चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिर्फ एक डब्बा बनाऊंगा और खुद समझ जाना, ठीक है, सिर्फ एक डब्बा बनेगा और तुम खुद समझ जाना।
तो ये डब्बा जो है बन चुका है। अब तुम समझ जाओ कि कहाँ हम जा रहे हैं कहाँ हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। एक डब्बा और एक लाइन और खींच देता हूँ, तुम लोग को अच्छा लगेगा, ठीक है। अरे यार मैं लाइन हमेशा जब भी कहीं खींचने की कोशिश करता हूँ ये पेंसिल लाइन को अलग ले जाती है यार, ये पेंसिल बेकार है। समझ गए क्या हो रहा है? ठीक है, परफेक्ट, आगे कुछ नहीं बोलना मेरे को। लिक्विडेशन बता देता हूँ, मॉर्निंग में बताए थे अभी बता दे रहा हूँ। अगर 24 घंटे पे देखोगे तो सारे ऊपर है 94 के आसपास तक, अगर 3 डे पे देखोगे तो नीचे है 85 के आसपास, जो मेरे को लगता है विग बन सकती है, पर अभी मेरे को नहीं लग रहा है। हो सकता है आज रात को बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 85 पे हम अभी भी, एक मिनट रुक जाओ, 85 हमने टच किया है, टच, हाँ अभी हमने टच किया था, आई थिंक परसों हमने 85 टच करा है। देयर इज नथिंग बैड फॉर ओल्ड कॉइंस, ठीक है। 85 85 85, ठीक है, परफेक्ट है, कोई लोड नहीं है। 85 तक अगर जाता भी है देयर इज नो कंसर्न। और जैसे ही पुल बैक लेता है, अगेन बता रहा हूँ, इस बार जब बिटकॉइन पुल बैक करेगा और 90 को क्रॉस करेगा, सारे ओल्ड कॉइंस फटने वाले हैं, 30 40 50 100% तक जंप आने वाली है। उसके बाद मेरे को लगता है 1 या 1.5 वीक के बाद में क्रैश आएगा, दैट क्रैश वुड बी बिगर देन नाउ, कि वो लगभग 30% के आसपास हो, लेकिन वो 30% का जो क्रैश होगा वो आपको इतना नीचे नहीं लेके आ पाएगा जितने नीचे हम आज बैठे हैं। तो तैयारी कर लो। कल रात को मैंने एक चीज बोली थी टेलीग्राम पे कि भैया जितने भी बहन भाई हैं, थोड़ा ढूंढना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा अपडेट मैं यहाँ पे करता हूँ। मैंने कहा था कि भाई देखो ये जो सेकआउट है, ये जो पुल बैक हम देख रहे हैं, जितने भी मेरे बहन भाई हैं, एक काम करो अपने ऑर्डर्स प्लेस कर दो, अगर तुम्हारे लिमिट्स हिट हो गए तो तुमको बहुत अच्छी जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे मिल सकती है। कहाँ गया भाई? तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई तुम ये कर सकते हो। ये मैंने, ये तो खैर आई थिंक सुबह डाला है कि गाइस बाय सम गुड कॉइंस अगर बाइंग रह गई है तो। और मैंने ये कल एक डाला था आपको शाम के शाम को, ठीक है, कहाँ गया? ठीक है, ये मैंने डाला था कि पुट योर लिमिट ऑर्डर्स, अगर कुछ बाय करना रह गया है तो शायद हिट हो जाए और बहुत अच्छा प्राइस भी होगा, आपको मिल जाए, क्योंकि इससे नीचे जाने की उम्मीद नहीं है, जो मेरे को नहीं लगती, अभी भी नहीं लगती है ना। ठीक है भाई, और वो आ जाते हैं, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया है। बात करी हमने लिक्विडेशंस की, बिटकॉइन डोमिनेंस की अगर मैं बात करूं तो अभी इसका ऐसा हो गया कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है तो डोमिनेंस भी बढ़ रहा है, इसीलिए आपको ऑल्टकॉइंस के अंदर जंप नहीं मिल रही है। लेकिन इस बार जब बिटकॉइन 90 टच करेगा और उसे क्रॉस करेगा तो आप डोमिनेंस चाहे इसकी थोड़ी ऊपर नीचे हो, लेकिन सारे ही ऑल्टकॉइंस के अंदर आपको जंप मिलेगी, ये दिस इज फॉर श्योर। ठीक है भाई, ये हमने आर्टिकल्स की बात कर ली थी, तो सिवाय इनू की डॉज की बहुत सारी बातें अभी मैं नहीं करना चाहूंगा। अब मैं पहले सीधा आ जाता हूं, एक बार उन कॉइंस की बात कर लेता हूं जो ऐसे 3 कॉइन है जिनके अंदर मैंने अपनी लिमिट ऑर्डर्स के साथ में एंट्री बनाई है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने जब कल बोला था तो मैंने फ्यूचर्स में आई थिंक मेरे 7 या 8 मैंने लिमिट ऑर्डर्स प्लेस करे थे, मेरा सिर्फ एक बाकी रह गया, दैट इज ऑनडो, जो आई थिंक 0.8 के आसपास मैंने लगाया और हिट नहीं हुआ, मेरे बाकी सारे हो गए। मैंने फैंटम किया था, एप्टॉस किया था, रेंडर किया था, एआरबी किया था, और मेरे शायद 7 जो ऑर्डर है वो फिल हो गए, जो भी पॉजिटिव में है। मार्केट नीचे जाती है तो आई विल बाय मोर, और मैंने और भी नीचे 1-2 लिमिट ऑर्डर लगा रखा है जिससे कि मेरे को लिक्विडेशन वाली जो प्रॉब्लम है वो ना आए। एंड आई विल कीप दिस ट्रेड कि भाई जब आपका 90 क्रॉस होगा और वहां 90 94 के पास से जब दिखेगा कि भाई यहां से एक पुल बैक आ सकता है, देन आई विल बुक द प्रॉफिट। और फिर दोबारा देखो, स्ट्रेटेजी जो है मेरे को लगता है बड़ा सिंपल है। कई सारे भाई ये कह रहे थे, मेरे को कमेंट करी थी एक भाई ने कि भैया इतना आसान नहीं होता प्रॉफिट बुक करना, नहीं तो सब कर लेते। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, प्रॉफिट बुक करना इस दुनिया का सबसे बड़ा सरदर्द है। आप बेच के बाहर निकल सकते हो, सेल आउट करके बाहर निकल सकते हो, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग इज वेरी टफ। आपने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी, वो 110 की होगी, अब आपको ये समझ में नहीं आ रही पूरी बेच दूं, आधी बेच दूं, 10 रुपए की बेच दूं, दिस इज हार्ड। बट अगर आप टारगेट फिक्स कर लो, अगर आपने पहले ये सोचा होता कि 100 की पहुंचेगी, 110 की हुई, मैं या तो इधर परसेंटेज और अमाउंट, मान लो आपने सोचा कि 100 पे 10 रुपए अगर आते हैं मैं बेच दूंगा, अगर 100% का 110 होता है मैं बेच दूंगा, आपने 10% आपको पहले फिक्स था, जैसे ही वो 110 गया आपने 10 निकाल दिया, अब आप वेट कर रहे हो कि इधर तो ये 120 जाएगा और मैं और 5 निकालूंगा, या फिर ये 90 पे आएगा तो ये 10 निकाला मैं लगा दूंगा, वेरी क्लियर। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में बिठानी है। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं हमारे पहले टोकन पे, विच इज रियो, RWA का टोकन है। और मेरे को लगता है जो बाइंग एरिया है ये अपने बाइंग एरिया पर ही है, मतलब आप अगर इसे आज खरीद लेते हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं, अभी हम हैं 0.7 पे, मार्च हाई है इसका लगभग यहां से 2x पे। पहले भी बोला है कि एक्चुअल जो कहानी है वो 2x से स्टार्ट होगी, नीचे जाने के लिए कुछ नहीं है।
लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो तो बड़े आराम से आपको बहुत प्यारे टारगेट इसके मिलने वाले हैं, चाहे वो 10x हो 15x हो। अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी लेते हो तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे 19 जाएगा आपको यहां से बड़े आराम से 50% तक की जो जंप है वो देखने को मिलने वाली है। सेकंड वन ऑफ माय फेवरेट ए आर, आप ये कह सकते हो ये अनफॉर्चुनेट है कि इतने नीचे वाले प्राइस पे भी मिल रहा है, तो हमारे लिए फॉर्चुनेट है, टोकन के लिए इतना अनफॉर्चुनेट है कि इतना नीचे ही आ रखा है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है। ये आप ये चीज देखो, अभी हम है 16 पे, मार्च टॉप है हमारा 50 पे, मतलब ऑलमोस्ट 1648, यहां से 3x से भी ज्यादा है, मतलब एआर अपने एकदम बॉटम पे बना है। अगर आज खरीद लोगे ना तो भी आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हो रहा आपको, यहाँ पे इसके नीचे इसका ज्यादा बॉटम ही नहीं है भाई। इसका बॉटम जो था, अगर मैं यहां से खूब नीचे जाऊं तो मेरा सिर्फ 20% नीचे तक ही जा सकता है, इतना ये गया है बिल्कुल बियर जो जब इसका था। आज एंट्री बना सकते हो आप इसमें, ठीक है भाई। तीसरा जो है दैट इज ओंडो। ओंडो अगेन वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट है, और मेरे को लगता है कि आरडब्ल्यूए का फेमस प्रोजेक्ट बोल सकते हो, क्योंकि हमने हमेशा इसको ब्लैक रॉक से जोड़ा है, हमने इसको हमेशा इस तरीके की चीजों से जोड़ा है कि जैसे डॉज कॉइन है, एलन मस्क की बात आती है तो थोड़ा हाइप ज्यादा बन जाती है ना, तो वही सीन यहाँ पे है ओंडो का। अभी क्या है, बाइंग जोन जो इसकी है अभी ये उससे हल्का सा बाहर है, जैसे कि मैंने कहा था मेरा जो फ्यूचर ट्रेड है मैंने उसका जो ऑर्डर लगाया दैट इज 0.8 पे है, और जो दूसरा है वो है इसका लगभग ये वाला, मतलब 0.74 से लेके 0.76 के बीच में। अगर यहां मिलता है वेल एंड गुड, आप टीपी लगा सकते हो यहाँ, सॉरी लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, अगर एक बड़ा से अकाउंट आता है तो शायद ये मिल जाए, अदरवाइज ये जो आपकी जोन है मतलब 0.82 के आसपास से, और भर ले इसको हल्का सा नीचे ले लेते हैं यहां तक, 0.8 से लेके 0.84 के बीच में मिलता है तो दैट इज गुड इनफ। बहुत देर इज अ रूम, मतलब अ ह्यूज रूम बोल सकते हो जो यहाँ पे इसको मिला है आगे की तरफ। अगर मैं इसका ऑल टाइम हाई देखूं, ऑल टाइम हाई बोले तो मार्च हाई अगर मैं देखूं तो लगभग यहाँ से 2x है, 1.6 के आसपास था, 1.8 के आसपास, 0.8 के आसपास सभी है। ये टोकन थे जो मेरे को लगता है बहुत तंगड़ा जो परफॉर्म है वो कर सकते हैं। फिलहाल तो सब कुछ हमें हल्का हल्का रेड दिख रहा है, रेड देखने का रीजन ये है कि सब कुछ भी 40-50-60% 80% 100% कुछ 200-300% बढ़ चुका है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि अभी के लिए ही था, बहुत सारी जरूरी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, पर वो चीजें कहाँ जल्दी आती हैं, टेलीग्राम पे जल्दी आती हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं मत देखो मेरा क्या, मेरे को रात को नींद नहीं आती आजकल, और मेरे साथ ऐसे मेरे 200-300 भाई और हैं जिन्हें नींद नहीं आ रही है, बहनें भी हैं उनमें जिन्हें नींद नहीं आ रही है, तो भैया उनका अगर तुम्हें हिस्सा बनना है तो टेलीग्राम पे आ जाओ, पूरी रात कुछ ना कुछ यहाँ आपको देखने मिलेगा, कुछ ना कुछ अपडेट आपको यहाँ देखने मिलेगा, और एंगेजमेंट होती है, ऐसा नहीं है, ये देखो हर पोस्ट पे 300-400 लोग, जबकि छोटा सा चैनल है सिर्फ 5000 लोग हैं, पर सारे लोग एंगेज रहते हैं यहाँ पे, हम वोट कराते हैं बीच बीच में, टोकन्स डालते हैं, कॉल्स डालते हैं, ये सारी चीजें, सारे यहाँ आ जाओ और चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो पसंद आ रही है, नहीं आ रही है डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वीडियो को पोस्ट मिलती है, कमेंट कर दो कोई भी सवाल है, कमेंट नहीं है मैंने एक हफ्ते से, आई नो दैट, क्योंकि मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, मैं एक दिन में 2-3 वीडियो बना रहा हूँ, टेलीग्राम पोस्ट भी डाल रहा हूँ पूरे दिन, उसके बाद इंस्टाग्राम पोस्ट भी डाल रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही एक दिन चाहे लाइव आके चाहे बड़ा सा ट्यूटोरियल बना के सारी जो कमेंट है मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, बाय।